दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी की एक बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी। ये सुबह के नाश्ते में आप बनाकर तैयार कर सकते हो। आप जानते हो लौकी हमारे सेहत के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद से खाएंगे। हमारे बिहार का एक फेमस नाश्ता है ये। वहाँ गाँव में लोग घर घर लौकी की लत्तियाँ लगाते हैं और ये बनाकर तैयार करते हैं। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार चटपटा। किसी भी स्ट्रीट फूड से आपको ये ज़्यादा मज़ेदार खाने में लगेगा। बहुत ही आसान है बनाना। इसके लिए हमें लेना है लौकी। लौकी हमें बहुत बड़े साइज़ की नहीं लेनी है, छोटी थोड़ी कच्ची वाली लौकी लेनी है। वहाँ तो घरों घरों में लगे रहते हैं इसकी लतियाँ, तो वो छोटे वाले तोड़ के बनाते हैं, जिससे बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो छोटे साइज़ की हमें लौकी लेनी है। छील के इसके पतले पतले गोल गोल स्लाइसेस हम इसे कट कर लेने होंगे। तो पहले चलिए हम इसे छील के स्लाइसेस में इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगा, तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए पहले इसे छील को कट कर लेते हैं। लौकी को मैंने इस तरीके से गोल गोल टुकड़ों में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी कच्ची लौकी है। अगर आपकी लौकी में बीज हो तो आप बीज का पार्ट उसका हटा देना, क्योंकि बीज वाले का ये हमारा नाश्ता बढ़िया नहीं बनता। तो लौकी हमें बिल्कुल कच्ची लेनी है, जिसमें बिल्कुल भी बीज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने उसे कट करके तैयार कर लिया है। कद्दू को मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब लेना हमें एक कटोरी बेसन। किसी भी चौड़े मुँह के बर्तन में हम बेसन को डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी चावल का आटा। अगर आप चावल का आटा ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह सूजी भी डाल सकते हो। चावल को पीस लोगे, आपका आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इससे इसका क्रंच काफ़ी बढ़ जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आधी कटोरी मैंने डाल दी चावल का आटा। इसमें डालेंगे हम थोड़े चिली फ्लेक्स। इसके अलावा डालेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन। इसके अलावा डालेंगे इसमें थोड़ा सा कस करके अजवाइन जाएगा। इसमें हमारा हल्का सा हल्दी पाउडर, भुना धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार होता है दोस्तों। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत आसानी से बनकर तैयार होता है और किसी भी मार्केट के स्ट्रीट फूड से ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। और हेल्दी तो ये है ही। अच्छे तरीके से सबको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने मुझे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। अच्छी तरीके से मैंने सबको मिक्स कर लिया है। अब हल्का हल्का पानी डालते हुए हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो इसमें आपके लम्स हो जाएंगे। तो हल्का हल्का पानी ऐड करते हुए हम इसे एक सेमी थिक घोल बनाने की तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। हल्का हल्का पानी पहले हम ऐड करेंगे। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बैटर हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। इस तरीके का बैटर हमें चाहिए, सेमी थिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ये पतला है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें इसके चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो घी हमने तो काट के रखा हुआ है, इसे इसमें ही हम डाल देंगे। एक बार बना लोगे दोस्तों, आपके फेवरेट हो जाने वाली है ये, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। हेल्दी तो है ही, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मज़ेदार लगता है ये। सबको हमने डाल दिया, अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेते हैं। कोटिंग कर लेंगे सबकी हम अच्छी तरीके से, ताकि सारे लौकी में हमारी ये कोटिंग अच्छी तरीके से हो जाए।
चलिए अब झटपट गैस ऑन करते हैं, फटाफट बनाकर तैयार करेंगे। गैस हमने ऑन कर लिया है, तवा चढ़ा लिया है। आप चाहे तो किसी पैन में बना सकते हो। डालेंगे इसमें ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। गर्म होने देते हैं। पूरे पैन में अपने ऑयल को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब लौकी के स्लाइसेस को जो हमने बना के तैयार किया है इसमें एक एक करके यहाँ पर सेट कर देना है। इस तरीके से इसको हम सेट कर देंगे, जो हमने कोटिंग अच्छी तरीके से इसकी कर रखी है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है दोस्तों, जिसे भी बना के खिला दोगे बहुत ही पसंद से खाएगा, बहुत तारीफ करेगा आपकी। वन बाय वन सबको हम डालते जाएंगे। इस तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है एक, और थोड़ी सी फीलिंग हम इसमें सब में ऐड कर देंगे ताकि एक अच्छा सा ये शेप ले सके। ये जो बैटर है सबको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस तरीके से इसका एक शेप तैयार हो जाएगा। धीमी आंच पर पकाएं ताकि जो लौकी हमारी है अच्छी तरीके से पक जाए। ऐसे भी स्लाइसेस हमने छोटे छोटे कट करे हैं, लौकी हमारी बिल्कुल कच्ची थी तो बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, फिर भी धीमी आंच पर इसे पकाना है। धीमी आंच पर इसे पकने देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेना। बनते हुए हमारे एक मिनट आधे मिनट लगभग हो चुके हैं। धीरे धीरे इसको चारों तरफ से निकालने की कोशिश करेंगे, हल्के हाथों से निकालेंगे ताकि ये टूटे नहीं। हल्का और पकने देते हैं, अच्छी तरह से नहीं पका है। इसको पकते हुए आधे मिनट और हो चुके हैं। हल्का से ऊपर से ऑयल डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का ही डालेंगे। मैं इस तरीके से ढक्कन में लेकर डाल रही हूँ ताकि हमारा ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं आए, टेस्टी बना रहे, हेल्दी भी बनाएंगे। धीरे से इसको उठा के, वाह सुपर, अच्छी तरीके से पलट दिया मैंने, देख सकते हो। धीमी आंच पर पकाना है, थोड़ी देर पकने देते हैं। इसको पकते हुए एक मिनट हो चुके हैं, चलिए पलट कर देखते हैं। वाह सुपर, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही मस्त मज़ेदार खाने में लगता है। बना के जरूर से ट्राई करना दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। थोड़ा सा और दबा दबा के पका लेते हैं। इस साइड से हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, उधर से थोड़ा सा कम पका था इसीलिए मैंने उधर से भी मैं पका लेती हूँ, गोल्डन कलर आ जाए। अच्छी तरीके से हमारा पक चुका है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, और जितना बढ़िया ये देखने में लगता है इससे कहीं ज़्यादा सुपर टेस्टी है खाने में लगेगा। पक चुका है, निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सबको हम बनाकर रेडी कर लेंगे। नाश्ता बना के हमारा बिल्कुल रेडी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रंची लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो बना के जरूर से ट्राई करना दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।